सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टू माई गेमिंग चैनल अलोन बैचलर 2.0। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो होने वाली बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, जो कि होने वाला है फ्री फायर बैन और डैडी कॉलिंग का अकाउंट क्यों बैन हुआ, इन दो टॉपिक्स पर है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने शायद सुना हो कि डैडी कॉलिंग का अकाउंट बैन हो चुका है, और ये भी सुना होगा कि फ्री फायर को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है। तो इसी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहती हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, डैडी कॉलिंग का अकाउंट बैन हुआ। क्यों बैन हुआ, मतलब डैडी कॉलिंग का अकाउंट बैन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनकी एफवी अकाउंट बैन हुई। अब एफवी अकाउंट कैसे बैन हुआ, ऐसा है एफवी और इंस्टा दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उनका इंस्टा बंद हुआ। अब किस वजह से बंद हुआ वो नहीं पता है फिलहाल इतना मेरे को, लेकिन हाँ इंस्टा बैन हुआ, मतलब इंस्टा का अकाउंट बंद किया गया। उसके साथ ही फेसबुक का अकाउंट भी लिंक था, वो भी बंद हो गया। फेसबुक की तरफ से मैसेज आ गया कि हाँ तुम्हारा अकाउंट बैन हो रहा है, और उसके बाद जब फेसबुक बैन हो जाएगा तो फिर गेम कैसे चालू होगा, मतलब अभी जिस डिवाइस पर हैं वो उस डिवाइस पर ही खेल सकते हैं, और अगर किसी डिवाइस पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फेसबुक का अकाउंट बंद होने से गेम का अकाउंट तो चालू है, लेकिन गेम का अकाउंट कब तक चालू है वो नहीं पता। जब कभी अगर धोखे से भी लॉगआउट हो गया तो वो लॉगिन नहीं होगा। तो ये डैडी कॉलिंग के साथ सीन हो चुका है, और इसकी मतलब जो भी उन्होंने हेल्प वगैरह मांगी है फेसबुक और इंस्टा से, ट्विटर पर टैग करके कुछ ये सब किया है अपना, आप देखो हेल्प मिलती है नहीं मिलती है। फिलहाल ये बहुत ही मतलब बुरी बात है यार, फेसबुक का जब भी मन होता है तब मुंह उठा के किसी का अकाउंट बैन कर देता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। मतलब चलो कभी कोई हरकत करता है तो सही है, मतलब कोई ऐसी आपके कम्युनिटी रूल्स फॉलो ना करे तो बात अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फेसबुक मतलब जब मन में आया तब किसी का अकाउंट बैन कर देता है। बहुत लोगों के बहुत प्लेयर्स हैं अपने फ्री फायर में जिनके अकाउंट बैन हो चुके हैं, और इसका मेरी तरफ से यार क्या ओपिनियन है, मेरी तरफ से यार यही है कि देखो फ्री फायर को ऐसा कुछ लाना चाहिए जो कि फेसबुक को अपने मतलब जितने भी अकाउंट हैं सब एक दूसरे पर स्विच कर सकें। जैसे फेसबुक का अकाउंट जो है वो अपने नंबर से लॉगिन हो, या अपनी जो जीमेल है उससे लॉगिन हो सके, ऐसा कुछ अपने फ्री फायर को ही करना चाहिए, फ्री फायर को ही ये सेटिंग जो है लाना चाहिए ऐसी कुछ, जिससे प्लेयर्स को यार इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप समझो डैडी कॉलिंग का अकाउंट, उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा रुपए लगे होंगे, और सबसे बड़ी बात वो 92 प्लेयर का अकाउंट है, मतलब 92 लेवल का अकाउंट है, बहुत ज़्यादा हुआ है 92, मतलब 70 तक या 80 तक पहुंचने के बाद अकाउंट बहुत ही मतलब जो लेवल है बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, और उस बंदे ने 92 लेवल किया, मतलब बहुत ही बड़ी बात है यार। फिलहाल गैरेना को इस पर सोचना चाहिए, फेसबुक या इससे ऐसा कुछ देना चाहिए कि अपने अकाउंट जो है शिफ्ट कर सको। तो अब बात करते हैं नंबर दो की, जो कि है फ्री फायर बैन हो गया है बांग्लादेश में। तो ये कन्फर्म हो चुका कि फ्री फायर को बैन किया गया है बांग्लादेश में, लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट है। फ्री फायर को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए बैन किया गया है, ना कि ऑल टाइम के लिए, अभी सिर्फ 3 महीने का है। लेकिन एक बात और भी है कि जब 3 महीने का बैन लगा है तो अभी ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, सिर्फ 3 महीने में टाइम लिमिट है, कोई बात नहीं चली जाएगी ये। लेकिन अपने इंडिया में बात करें तो इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कहीं कहीं टैग कर चुके हैं, कहीं अपने लेटर लिख के बता चुके हैं कि फ्री फायर और पबजी को बैन करना चाहिए। आप बैन की बात करें तो यार देखो बैन एक बार पबजी हो चुका है लेकिन वापस आ गया, और अगर फ्री फायर बैन होता है तो देखो फ्री फायर बैन पहली बार तो बैन होने के चांस अभी तो नहीं है। देखो फ्री फायर बैन होने के लिए सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे ज़्यादा बड़ा, जो कि है सुसाइड। काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ मर्डर कर रहे हैं एक दूसरे का सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से, डायमंड की वजह से। तो अगर वो चीज़ बंद हो जाए, वो चीज़ थोड़ा कंट्रोल में हो जाए तो फ्री फायर बैन को लेकर मतलब इतनी ज़्यादा पॉइंट नहीं उठेंगे। लेकिन देखो छोटे छोटे बच्चे आजकल मतलब उस तरफ जा रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, वो लोग मर्डर कर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, तो इस हिसाब से फ्री फायर को बैन करने के लिए पॉइंट लोग उठा सकते हैं और उठाने भी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी चीज़ होती है तो जाहिर सी बात है उसे बैन करना चाहिए, उसे बंद करना चाहिए। फिलहाल बांग्लादेश तो अब पूरा 3 महीने के लिए बंद है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी शायद और मतलब मिल सकता है यार, देखो बांग्लादेश में हो चुका तो इंडिया में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब टाइम के लिए बैन हो या कुछ ऐसा आ जाए कि इतने साल के बच्चे नहीं खेल सकते हैं, कुछ ना कुछ होगा इंडिया में और जल्दी होगा। अब देखो जब बांग्लादेश में यार बैन हुआ है, बहुत बड़ी बात है कि हमारा फ्री फायर बैन हो चुका है 3 महीने के लिए। फिलहाल ये चीज़ सही है कि अभी 3 महीने के लिए हुआ है, परमानेंटली नहीं बैन हुआ है, तो अगर ऐसा टाइम लिमिट आ जाती है इंडिया में तो चल जाएगा, लेकिन अगर परमानेंटली बैन हो तो फिर सबके एल लग जाएंगे और इस बार फिर फ्री फायर भी कुछ नहीं कर पाएगा। फ्री फायर क्या करेगा, अपने जो रूल वगैरह गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं उन्हीं को फॉलो करेगा, फिर से वापस आएगा, लेकिन तब तक जो मतलब इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। जैसे पबजी गया फिर वापस आया तो बहुत टाइम लगा, बहुत सारे प्लेयर्स
छोड़ चुके थे तब तक पबजी, तो यही होगा फ्री फायर का भी। फिलहाल यही न्यूज़ थी अपनी फ्री फायर कम्युनिटी को लेकर। ये दो हाथ से जो है बिल्कुल ट्रेंड कर रहे हैं इस टाइम। और अगर अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो फिर चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।